आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। समझ नहीं क्या बात है यार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जो कि टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क, और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चौहान। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी फाइल बनाना सिखाऊंगा जिसकी वजह से आप न सिर्फ अपने इनकम बढ़ा सकते हैं, हो सकता है आप कुछ नया प्रोफेशन मिल जाए, हो सकता है आप अपनी जो वीडियो जो क्रिएटर है यूट्यूब क्रिएटर वो अपनी वीडियोज़ को दूसरे देशों में दूसरी भाषाओं तक पहुंचाने में आप सफल हों, और उससे क्या होगा, उससे यही फ़ायदा होगा कि आपके ज़्यादा व्यूवर्स और ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि फ़ाइल कौन सी है, कैसे बनती है, इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसके ढेर सारे सवाल जो भी हैं अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे मेरी जो भी नई वीडियो बनती है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आपको जो बेनिफिट होना वो तुरंत हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो हमारा टी शर्ट बदलने वाला, तो इस टी शर्ट को हम पहले बदल लेते हैं। अरे यार, ये भी ब्लू है, मैच हो रहा थोड़ा ना, तो ऐसा करते हैं एक दूसरी टी शर्ट बदलते हैं, दूसरी फाइनल, ठीक है? अब ठीक है, तो दोस्तों जिस फाइल की मैं बात कर रहा था उस फाइल का नाम है SRT। ये दोस्तों एक तरह से एक्सटेंशन है, जैसे कि DOC, TXT वगैरह होता है। तो इस फाइल के जो फुल फॉर्म है SRT का, वो है सब रिप टेक्स्ट या सब रिप टाइटल। अगर हम इसे दूसरी भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि सब टाइटल वाली जो फाइल होती है वो होती है SRT फाइल। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आखिर इस फाइल का यूज़ क्या है। देखिए, इस फाइल का यूज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा है। हमें एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज करने में इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। जैसे कि अगर हमारा, जैसे मेरा ये वीडियो है, इस वीडियो में अगर मुझे किसी को इंग्लिश वाले को इंक्लूड करना है, व्यूवर्स को इंक्लूड करना है, फॉरेन वाले को, तो मैं क्या करूँगा, सबटाइटल डाल दूँगा तो वहाँ पर मेंशन कर दूँगा, तो सामने वाला अगर देखेगा तो मेरी वीडियो को समझ पाएगा और वो भी देख पाएगा। तो इस तरह से मेरा व्यूवर का जो व्यूविंग का एरिया बढ़ता है, मेरी रीच बढ़ती है, लोगों तक पहुँचने का एक ज़रिया काफ़ी अच्छा हो जाता है। दूसरा ये कर सकते हैं कि जैसे कई लोग ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का काम करते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, और कोई ऐसी फ़ाइल आती है तो उसको सॉफ्ट कॉपी बनाना, सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए इस तरह की फ़ाइल SRT फाइल भी बना देते हैं ताकि वीडियो के साथ उसको लगा दें तो वो देख सकते हैं, तो इस तरह का ये भी काम हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि अगर आप कोई फिल्म मेकर हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें कई बार आपसे SRT फाइल मांगी जाती है अलग से, तो आप इस तरह से SRT फाइल बनाकर डाल सकते हैं। YouTube में भी अगर आप चाहें तो SRT फाइल ऐसी बनाकर वहाँ पर डाल दें तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और फिर आपका जो भी YouTube के जो भी कंटेंट है उसमें नीचे सबटाइटल चलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से SRT के बहुत सारे यूज़ हैं। आप चाहें तो इसको प्रोफेशन बना सकते हैं और लोग आपसे SRT फाइल बनवाएं और आप इसका पैसा ही वसूलें, खासतौर पर विदेश वाले काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो ये बहुत सारे इसके काम है दोस्तों, अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है तो मैं जल्दी जल्दी शुरू करने वाला हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कि SRT फाइल कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं हम सीधे अपने कंप्यूटर की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि SRT फाइल में तीन चीज़ खास होती है। पहला होता है आवर्स, मतलब घंटे, दूसरा होता है मिनट्स, तीसरा होता है सेकेंड्स। तो ये तीन चीज़ खास होती है, जैसे आपको पता ही है सारी, तो इसी को लेकर कोडिंग होती है। और कोडिंग एक बहुत ही सिंपल, अगर आप समझ जाएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, आप कोई भी पॉइंट इसको स्किप ना करें, ना चूकें, ना अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम अपने कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि SRT फाइल कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक वीडियो की, जिसके लिए हमें उसका ट्रांसक्रिप्शन करना, मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन करना या फिर उसकी सबटाइटल बनाने हैं। तो जैसे मेरा एक ये वीडियो है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब आप बैठे हैं तो इस वीडियो को देख कर इस तरह से आप जो सबटाइटल हैं वो लिख लें पहले, और लिखने के बाद क्या होगा कि जब आप बनाएंगे तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा और आपकी SRT फाइल बहुत फटाफट बन जाएगी, जल्दी से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख लीजिए, मेरा तो ये एडवाइस है। और फिर आपको क्या करना है कि आपके जो भी फोल्डर है वहाँ जाकर
ये राइट क्लिक कीजिए माउस से और न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये मिलेगा टेक्स डॉक्यूमेंट, तो टेक्स डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिए। ये आ गया आपकी टेक्स्ट फाइल का लिंक, ये आ गया आपकी टेक्स्ट फाइल। अब आपको यहाँ पर नाम अभी नहीं देना है, आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको ये करना है कि यहाँ पर आपको कोडिंग करनी है। कोडिंग किस हिसाब से करनी है, मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हमको बिगनिंग पे जाना है और एंड पे जाना है, तो हमको ये दो चीज़ चाहिए। तो ये दो चीज़ के लिए हमको पहले आवर्स, तो हमको ये लेना है, तो क्या लेंगे पहले आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स और फिर ये कॉमा लगाकर 3 0 आएगा, फिर इसके बाद 2 डैश और एक ये फॉरवर्ड वाला, और फिर इसमें एक स्पेस देकर फिर वही आवर्स, मिनट्स, सेकंड, कॉमा 3 0 और उसके बाद हमें जो भी हमारा लिखना है कि टेक्नोलॉजी विथ, तो इस तरह से आप अपनी जो भी सब टाइटल है वो यहाँ डाल सकते हैं। तो शुरू का लेना है और एंड का लेना है, तो शुरू का हमारा ये पोर्शन है, एंड का पोर्शन ये है और हमारा सब टाइटल ये, तो इतनी देर के लिए ये सब टाइटल वहाँ पर रहेगा। तो ये है हमारा फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर बनाते हैं। तो हमें सबसे पहला जो बनाना है वो ये बनाना है कि हमें 0 आवर्स हैं और 0 मिनट्स हैं, और कितने सेकंड से शुरू करना है, हम 1 सेकंड से शुरू करते हैं और यहाँ पर कॉमा लगाकर 3 0, 2 डैश और एक ये ग्रेटर देन वाला लगा दिया, फिर आवर्स का लिया, मिनट्स का लिया, अब सेकंड कितना होगा तो हमें वीडियो चलाकर देखना पड़ेगा कि आखिर हमें कितने सेकंड तक इसको लेना है। जो भी हमारा पहला सबटाइटल है, ये देखिए 1 से शुरू हो गया है चैनल में, जो कि टेक्नोलॉजी से शुरू होने के बाद ये बोलते हैं 5 सेकंड तक ये चलता है, तो हमें इसको 5 सेकंड तक बनाना है। ये 5 सेकंड कर दिया, इसको कॉमा लगे 3 0 कर दिया। अब हमारा जो पहला सबटाइटल था वो हमने लिख रखा था, तो ये मैंने यहाँ पर ये कॉपी किया और इसे सिंपल पेस्ट कर दिया। तो देखिए कितना इजी हो गया हमारा काम, बस हमें इसको भी यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और एक स्पेस देके पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमारा दूसरा शुरू होता है सबटाइटल का। दूसरा कहाँ से शुरू होगा, चूँकि हमारा 5 पे ख़त्म हो चुका है, तो अब 6 से लेंगे। 6 से लेने के बाद कितने तक जाएगा, तो अब फिर हमें हमारी फाइल पे देखना पड़ेगा, वीडियो पे देखना पड़ेगा। मैं हूं प्रवीण चौहान। तो दोस्तों आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। 10 तक जा रहा है ना, तो ये हमने उठाया। अब इसको उठाने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा 10 तक ये यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा 10, अदरवाइज चलेगा नहीं, एरर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों SRT फाइल बनती है। आप 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी होते हैं वो सारा यहाँ पर आपको इसी तरह से लिखते जाना, कहाँ से शुरू करना और कहाँ ख़त्म करना, ये हमको करना है। मिनट्स में आ जाएंगे तो मिनट्स में आ जाएंगे, आवर्स में तो खैर इतनी बड़ी फाइल होगी नहीं, तो मिनट्स और सेकंड पे ही आपका काम होगा। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अगर एक लाइन में आपको लेना है तो इस तरह से लाइन आ जाएगी, और अगर आपको 2 लाइन में लेना है तो आपको यहाँ पर एंटर मार के नीचे आना पड़ेगा, तो इस तरह से 2 लाइन में आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनता है, और तो 1 लाइन 2 लाइन ये भी बता दी। अब आपको एक बताता हूँ कलर करना। अगर आपको ये लाइन पूरी कलर करनी है तो आप क्या करेंगे, ये लेस देन वाला लगा के फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड, और इसे हम क्लोज कर देंगे, और फिर यहाँ पर एंड पर जाके फिर से हम इसकी कोडिंग करके यहाँ पर इसको क्लोज करना पड़ता है। तो क्लोज़ किया, फॉन्ट ये कर दिया, तो अब ये जो हमारा है इसके बीच में जितना भी आएगा ये सारा कलर में आएगा, इसके और इसके बीच में जो भी कलर लिखा है उस कलर में ही आ जाएगा, नीचे वाला जो प्लेन में आता है वैसे आएगा। अब ये तो हमने सारा बना दिया, अब इसे हम सेव करते हैं। दोस्त हमें सेव एज़ करना है। सेव एज़ करने के बाद हमें यहाँ पर जाकर सबसे पहले इसे ऑल फाइल्स कर दीजिए। ऑल फाइल्स करने के बाद हमारा क्या है, वीडियो यहाँ पर आ जाएगा सामने, तो इस वीडियो को सिंगल क्लिक कीजिए ताकि उसका नाम एग्जैक्ट वैसे ही आ जाए। तो हमारी फाइल का नाम ठीक वैसा ही बनना चाहिए जैसा आपकी वीडियो का फाइल का नाम है,
और यहाँ पर डॉट एस आर टी कर दीजिए। थोड़ा भी अंतर आए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप चांस न लेते हुए इसको इसी तरह से बनाएं और एस आर टी कर दिया। इसके बाद आप चाहें तो ये एन ए एन एस आई रख रहने दें और सेव कर लें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करें, यहाँ पर जाने के बाद इसकी कोडिंग UTF ऐड कर लें। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमारी फ़ाइल बनी कि नहीं। ये देखिए SRT फाइल बन गई है और यहाँ पर एक्सटेंशन भी है, SRT दिखा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक SRT फाइल बना सकते हैं। और भी तरीके हैं SRT फाइल बनाने के, लेकिन ये सबसे ईजी तरीका है। तो दोस्तों अब चलिए हम जानते हैं कि हम इसे आखिर यूज़ कैसे करें, किस तरह से SRT फाइल यूज़ की जाती है। बन तो गई है, तो इस वीडियो को अगर हम प्ले करते हैं तो यहाँ पर हमारी फाइल आ जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, तो गलत कुछ नहीं हुआ है। आप रुकिए एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा SRT फाइल बन चुकी है और इसने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर हम सबटाइटल ऑन ही नहीं करेंगे तो कैसा आएगा, तो उनको ऑन करना पड़ेगा। अब हम जब प्ले करेंगे तो ये देखिए हमारा आ गया पूरा एक लाइन वाला टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क और ये दो लाइन वाला। अब आप बोलेंगे कि ये हमने पूरी लाइन रेड की थी, ये तो आया नहीं। इसका भी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आया, क्योंकि कई बार कई जो ऐसे वीडियो प्लेयर होते हैं जो फॉर्मेट उनको समझ में नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, दिखाते नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक मेरे पास दूसरा प्लेयर है गोम प्लेयर, उसमें वो ज़रूर दिखाता है क्योंकि वो बहुत सारे फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है। देखिए हमारा पहला तो ये आ गया आराम से इस चैनल में, जो कि टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क और मैं हूं। और दूसरा देखिए एक लाइन पूरी रेड आई है, दूसरी नॉर्मल आई है। अगर मुझे सिर्फ मेरा नाम रेड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे नाम के आगे ये वाली कोडिंग उठा के लगानी पड़ेगी। अब सिर्फ मेरा नाम रेड आएगा और बाकी सारा। अब सेव एस करके मैं आपको दूसरा वाला फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ये UTF वाला। अब ये सेम हम उसी फाइल पे अपडेट मारेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा लेना है फाइल। ये देखिए रिप्लेस कर रहा हूँ मैं इसे, ये रिप्लेस कर दी। अब हम इसे, मैं इसे बंद कर देता हूँ, पहले इसे बंद कर दिया। अब फिर से मैं इसे प्ले करता हूँ हमारे गोम प्लेयर पे, तो ये दिखा देता है कलर, इसलिए हम दूसरे उस पर जा रहे हैं। तो ये देखिए पहला तो ये आ गया ऐसा, अगर लंबी लाइन होगी तो दो अपना आप कर देगा, अदरवाइज आप दो कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा नाम आ गया रेड में। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और कोई अगर आपसे SRT फाइल मांगता तो आप सिंपल ये SRT फाइल उसे दे सकते हैं। और अगर अदरवाइज़ क्या कीजिए, आप एक ही फोल्डर जो है उसमें ये दोनों चीज़ आपको रखना पड़ेगी, SRT फाइल और आपका वीडियो, दोनों का नाम सेम होना चाहिए, दोनों का फोल्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आप SRT फाइल को यूज़ कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं और अपने वीडियोस में इस तरह से दिखा सकते हैं अगर किसी को प्रेजेंट करना है। YouTube का तो मैंने बता दिया कि अगर आप बताएंगे तो मैं उसे अलग से बनाकर आपको बता दूंगा। तो दोस्तों जो SRT फाइल के जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि यूज़ उसका कैसा कैसा है, तो उसी हिसाब से उसके बेनिफिट्स हमको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको अपनी वीडियोज़ को या आप चाहते हैं कि US पे जाए, UK में जाए और कहीं दूसरे देश, पूरी दुनिया में आप देखें, तो आपको ये SRT फाइल बनाकर उसके नीचे से सबटाइटल अगर आप इंग्लिश में डाल देंगे तो इंग्लिश वाले तक आपकी पहुंच बन जाएगी, आपका व्यूइंग जो लोग हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आपने, आपको पता ही होगा कि विदेश में जो एड्स मिलते हैं उसकी काफ़ी अच्छे इनकम होती है, तो आपकी इनकम बढ़ सकती है ऑब्वियसली। और आप अब इसको एक प्रोफेशन बना सकते हैं कि भाई मैं SRT बनाता हूँ और जो फिल्म वाले हैं वो भी आपसे SRT फाइल बनवा सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे दोस्तों। तो इसके ये फ़ायदे सबसे ज़्यादा है कि इससे आपका एक तो एरिया बढ़ता है, अगर YouTube क्रिएटर है तो आपका व्यूइंग का जो व्यूवर्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, आप वर्ल्ड वाइड हो जाते हैं। और इस वर्ल्ड वाइड होने से आपका ये होता है कि आपकी इनकम भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ जाती है। आप अगर प्रोफेशन में जाते हैं तो आपकी वहाँ से भी इनकम हो जाएगी। तो बस दोस्तों यही है इसका ख़ास कि आपकी जो भी बातें हैं उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने का एक ज़रिया है SRT। तो ये है इसकी खासियत। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और लाइक तो कर ही देना, लाइक तो बनता ही है, इतनी मेहनत की है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपके काम के वीडियो, आपके फ़ायदे की वीडियो लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। तो मेरे अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।